तो अभी नीचे चलते हैं, इसका पराठा लेट आ गया पनिशमेंट पे, उस पर रुका नहीं जा रहा बस। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है जुलाई का सेकंड डे, आज 2 तारीख है जुलाई की। और आज बहुत ख़ास दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज से ओजस स्कूल जाने वाला है, तो उसका फर्स्ट डे है आज स्कूल में। तो तैयारी चल रही है, मैं अभी सुबह बस अपना पानी कर रही थी पीने के लिए, गर्म पानी किया है मैंने अपना। मतलब बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कब स्कूल जाने लगे। तो स्कूल भेजते हुए उसको थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, और ये भी हो रहा है कि पता नहीं, मन मान भी नहीं रहा है कि उसको भी यार भेजना नहीं चाहिए, बहुत छोटा है, लेकिन वो थोड़ा सा कम बोलता है। तो डॉक्टर से एक बार हमने बात की थी, तो उन्होंने भी यही चीज़ हमें सजेस्ट की थी कि जब स्कूल जाने लग जाएगा तो बच्चों के साथ में रहेगा तो धीरे धीरे करने लग जाएगा, मतलब बोलने लग जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मतलब हो गया है इतना, जहाँ पे घर में रहता है अंदर ही अंदर, तो कोई बच्चा भी नहीं है साथ में खेलने के लिए, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा उसका जो बोलने की वो थोड़ा धीरे स्लो बोलता है, मतलब वैसे स्लो नहीं बोलता, वैसे तो पूरा दिन बोलता ही रहता है, लेकिन क्लियर नहीं बोल पाता वो कोई भी वर्ड। तो हमने सोचा कि उसका एडमिशन करा देते हैं पीजी में, तो हमने उसको प्ले में उसका एडमिशन कराया है। तो बस चलिए, अभी मैं सुबह का काम ख़त्म करती हूँ, अभी मॉर्निंग में 7:15 हो रहे हैं, और बस जल्दी से ये ख़त्म करके पानी पीती हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद मैं पहले मैं नहाऊँगी, फिर रोज उसको नहलाऊँगी। जैसे अभी सो रहा है और उसको उठाते हुए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं उसको नींद में से उठाऊँ, मतलब सुबह को सोता हूँ इतना मासूम रहता है ना नींद में, और सुबह को तो उसकी इतनी ज़्यादा गहरी नींद होती है कि अगर मैं हल्का सा भी गेट खोलती हूँ ना, उसके मुँह पर रोशनी लाइट पड़ती है तो वो तुरंत मुँह ढक लेता है। तो अभी मैं चल के दिखाती हूँ, पहले मैं अपना पानी कर लेती हूँ पीने का। यहाँ पर मैंने किया है जीरे वाला पानी, और एक ग्लास में मैंने ये कोरल के लिए किया है, एक में मैंने अपने लिए किया है। और उसका टिफ़िन भी रेडी हो गया है, उसको टिफ़िन में मैंने सोचा कि थोड़े से मखाने दे देती हूँ, क्योंकि वो मखाने बहुत अच्छे से खा लेता है टिफ़िन में। और एक आलू का पराठा दूंगी उसको छोटे छोटे से बाइट करके, और पराठा वगैरह वो खुद से खा लेगा, क्योंकि अभी छोटा है तो खुद से खाने में थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं खुद खा पाएगा वो या नहीं। तो उसको इस तरीके का टिफ़िन देना है, स्कूल वालों ने बोला है कि इस तरीके से दीजिए आप टिफ़िन कि बच्चा खुद से खा ले। ये देखो दोनों सो रहे हैं। ओजू, ओ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं लगा रही लाइट। उस गेम में भी था, यहाँ गोदी आओ, आए आराम से आराम से, पानी गिर जाएगा बेटा ऊपर को, देखिए बारिश हो रही है बाहर। हेलो कर दो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग करो। ओजस भी ब्लॉगिंग करने लग गया आजकल, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अभी नहीं, अभी नहीं है। तो गाइज, ओजस हो गया रेडी, गौरव हो गया रेडी, मैं हो गई हूँ रेडी, और ओजस का बैग भी हो गया रेडी। और ओजस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश हो रहा है, अभी इसे पता नहीं कि कहाँ पे जा रहा है इसे। जब पता चलेगा ना, जब रोएगा। तो अभी नीचे चलते हैं, इसका पराठा बनाऊँगी, थोड़ी सी पूजा करेगा, और इसको दही चीनी मतलब चीनी शक्कर खिला के भेजेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? वो जो कहाँ पे जा रहे हो? स्कूल? बाय बाय। मम्मी खा करो दही शक्कर से।
पापा के इधर आओ, इधर आओ। तो गाइस ये यहाँ पे आलू का पराठा और मखाने रख दिए, इसको छोटे छोटे से पीस करके रख दी हूँ। तो गाइस घर से निकल चुके हैं, अभी हम स्कूल के लिए जा रहे हैं और जिसका टिफिन रेडी हो गया है, आलू का पराठा और थोड़े से मखाने रखे हैं। अभी देखते हैं, फर्स्ट डे है तो मुझे भी नहीं पता कि स्कूल में टिफिन में क्या आते हैं बच्चों के लिए। वैसे बाहर तो कोई कोई चीज़ नहीं देने वाली कि जैसे चिप्स बिस्किट वगैरह दे देते हैं, तो घर का ही देंगे बना के जो भी देंगे। तो बस अभी फर्स्ट डे है, देखती हूँ कि कितना टिफिन फिनिश करके आता है अपना। और पानी की बोतल भी रख लिया मैंने इसकी। और जैसे इतना ज्यादा खुश है ना आज स्कूल जाने के लिए कि इसको पता ही नहीं है कि ये जा कहाँ रहा है। और बड़ा हो गया रोया करेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना। कहाँ पे जा रहे हो आप? इसको लग रहा है कि आज तो सुबह सुबह रेडी हो गए और उठ गए, तो आज तो पक्का घूमने जा रहे हैं। ऊपर से इसका बैग भी ले लिया है, जिस बैग को ये लेके घर में घूमा करता था, इसलिए जो इसका खुशी का ठिकाना नहीं है, है नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। रखो रघु उस पे रुका नहीं जा रहा बस। चलो चलो अब डांस करेंगे। बैग निकालो, बैग निकालो, मैं लेकर जाऊंगी। ले मना, मैं इतने फॉर्मल पेज पे जा रही हूं। ये रही, ये रही, इधर गाड़ी। आ जाओ बैठ जाओ आप। भाई जी बस बीच वाली उसको रखा है।
इस वाले पे रखो, इस पे रख देना, ये रहा इस पे रख वाले पे, थोड़ा सा इधर कर लो, इस पे कर लो। उसको छोड़ दिया है स्कूल में और अभी 9:30 हो रहे हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने बोल दिया कि 10 बजे तक लेके जा सकते हैं, आधे घंटे बाद ही आ सकते हैं आप लेने के लिए। तो फर्स्ट डे है, अभी 1-2 दिन ऐसे ही रहेगा कि मतलब बच्चा थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो सारी बातें हो चुकी है, सब चीज़ें समझा दी हैं टीचर्स को भी कि हमारा बच्चा किस टाइप का है, कैसे करता है, तो उन्होंने भी अपना पूरा संतुष्टि कर दी है कि भाई बेफिक्र रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये रहा स्कूल और उसको अंदर छोड़ दें। इस घर पे आ चुकी हूँ मैं और बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि आधे घंटे में भी लेके जा सकते हैं, तो बस मेरा काम ख़त्म हो जाए मैं तुरंत ही ले आऊँगी। पता नहीं क्यों मेरा मन मान नहीं रहा है आज, मतलब मन नहीं लग रहा है मेरा और थोड़ा सा हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि भाई पेरेंट्स के तौर पे एक बच्चे को, अपने बच्चे को अपने से अलग छोड़ के आना और किसी अनजान लोगों के यहाँ पे मतलब उसको दे के आना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको भी और हमें भी, लेकिन उसके भविष्य के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा। तो बस अपना काम ख़त्म करती हूँ जल्दी से और फिर मैं उसको लेके आऊँगी। बस ओजू हाँ जी, ओ आ गई। पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है बेटा, कहाँ चले चले चले, कहाँ? पापा पापा कह रहे, पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। ओजस बाय करो, बाय बाय। कल को भी आना है ना, वो जैसे यहीं पे रुक जाओ आप, मेरे साथ ही। पापा पापा चलो, कहाँ है? इधर आओ, इधर इधर पाई करिए, इधर आओ, हाथ पकड़ो मेरा, चलो स्कूटी पे चलो, उधर जाओ स्कूटर पे, उस पे चलो, इधर ये वाला, ये वाला बैठो इस पे। बाय कर दिया आपने सबको? बाय कर दिया, घर चले? और मम्मा को प्याली कर दो, एक किची किची कर दो। तो गाइस ओजस के घर आने के बाद कपड़े चेंज करके इसको टिफिन जो इसका दिया था इसने वो वहाँ पे नहीं खाया था क्योंकि मुश्किल से 1 घंटा वहाँ पे रुक गया है, तो इसलिए मैंने इसको वही टिफिन दे दिया था, उसमें आलू का पराठा और इसके कुछ मखाने रखे थे, तो इसने वही खाया है अभी। और काफ़ी टाइम हो गया, अभी 1 बज गया है, तो मैंने भी लंच वगैरह कर लिया है, अभी मैं इसको सुला देती हूँ दूध पिला के। तो इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे एक जल्दी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। और जस्ट बाय कर दो, बाय।